हेलो दोस्तों राना क्लासेज में आपका स्वागत है तो आज की बड़ी खबर क्या है तो सचिवालय सहायक के पदनाम परिवर्तन और सशक्त उन्नति संबंध में सचिवालय सेवा संघ ने है जो कि अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग को ज्ञापन सौंपा है तो क्या ज्ञापन सौंपा है और बीपीएससी के माध्यम से भी चर्चाएं चल रही है कि बी सचिवालय सहायक की बहाली हो क्यों हो कब तक होने की संभावना थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें तो आज देख रहे हैं बारह दो दिनांक का है बिहार सचिवालय से सेवा के सहायकों का पदनाम परिवर्तन एवं सशक्त उन्नति के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 29 दो 2020 को आपके कार्यालय कक्ष में संघ के साथ हुई वार्ता में सचिवालय सहायकों के पदनाम परिवर्तन किए जाने से संबंधित आदेश दस दिनों के अंदर निर्गत किए जाने तथा प्रोन्नति के संबंध में कार्यकारी व्यवस्था के तहत उच्चतर पद का प्रभार देने के मामले में अप्रैल माह तक अंतिम निर्णय लिए जाने का आश्वासन दिया गया था इससे आश्वस्त होकर संघ के दिनांक छब्बीस दो दो हज़ार बीस से अट्ठाईस दो दो हज़ार बीस तक घोषित अपना तीन दिवसीय आंदोलन वापस ले लिया गया था मतलब क्या था कि पहले भी ये जो कि मांग की गई थी और आश्वासन दिया गया था कि, कि आपको जब छब्बीस दो दो हज़ार बीस को काला बिल्ला लगाया गया था तो कि आपको दस दिनों के अंदर पत्र है जो कि निर्गत कर दिया जाएगा परंतु आज तक तीन माह के पश्चात भी पदनाम परिवर्तन नहीं किया जाना तथा प्रोन्नति के संबंध में निर्णय नहीं लिए जाने से संबंधित कर्मियों में रोष व्याप्त है बिहार सचिवालय सेवा के अधिकांश उच्चतर पद रिक्त हैं तथा प्रोन्नति का मामला लंबे समय से अवरुद्ध है तो मतलब बहुत सारे पद बताया कि सचिवालय सहायक को कि कितनी लगभग पदें खाली लगभग तेईस सौ पदे है जो कि अभी पूरी तरह खाली उसमें प्रमोशन वाले और सीधी भर्ती के भी सोलह सौ से अट्ठारह सौ पदे हैं जो कि खाली है और प्रन्नति का प्रमोशन भी रुका हुआ है चाहे अंडर सेक्रेटरी हो चाहे आपको ऑफिसर हो या उच्च वर्गीय से असिस्टेंट के रूप में हो सचिवालय सहायक के रूप में तो प्रमोशन कहीं ना कहीं रुकी हुई है उल्लेखनीय है कि पदनाम परिवर्तन प्रोन्नति हेतु संघ द्वारा लगातार मांग की जा रही इस संबंध में कई बार उच्च स्तरीय वार्ता हुई परंतु कोई फल, फल, फल प्राप्त नहीं हो इसका बार बार के आश्वासन के बावजूद मांगों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने से बिहार सचिवालय सेवा कर्मियों में रोष व्याप्त है यदि शीघ्र उक्त मांगों को सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तो बाध्य होकर बिहार सचिवालय सेवा के सभी कर्मी दिनांक उनतीस छः दो से तीन सात दो तक प्रतीकात्मक रूप की पूर्व की तरह काला बिल्ला लगाकर अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे उसके बाद भी यदि सरकार द्वारा कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाता तो, तो बाध्य होकर चरणबद्ध आंदोलन की राह अपनाई जाएगी जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी सरकार की होगी ये महासचिव हैं अशोक कुमार सिंह और अध्यक्ष हैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव बिहार को आवश्यक कर और ब्यूरो चीफ सभी दैनिक समाचार पत्र मतलब ये कल है जो कि कई अखबारों में आ सकती है तो ये हो गया कि अपनी प्रोन्नति सचिवालय सेवा में ऐसा नहीं कि सिर्फ है जो कि सचिवालय सहायक ही आते हैं इसमें आपको अंडर सेक्रेटरी आते हैं सेक्शन ऑफिसर आते हैं डिप्टी सेक्रेटरी आते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर के भी आते हैं तो इन सभी को है जो कि ये सचिवालय सेवा में आते हैं अब जो है ये तो मांग है जो कि आज की चिट्ठी में जो कि ये जारी हो गई बारह छः दो का आप देख रहे हैं और ये मांग है जो कि आपको पहले भी मांगी गई थी लेकिन अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ है अब तो दूसरी मांग है अभी मांग अभी है जो कि हालांकि पत्र जारी नहीं किया गया फिर भी मांग है जो कि जारी है और और ये जो है अभी ये चर्चाएं चल रही है अभी तो बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सचिवालय सहायक रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने के संबंध में तो ये भी चर्चाएं में हुई हैं अभी लेटर जारी नहीं हुआ उपयुक्त तो विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक छः सौ साठ दिनांक आठ दो उन्नीस सौ निन्यानवे की अनुसूची तीन के का चौदह में बिहार सचिवालय सेवा का गठन केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुरूप किए जाने की शर्त अंकित है जिसके आलोक में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम दो के तहत राज्य स्तरीय संवर्ग के के रूप में बिहार सचिवालय सेवा का गठन किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पटना के संकल्प बहत्तर सौ इक्यानवे दिनांक एक छः दो हज़ार अठारह द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर पद का वर्गीकरण किया जिसमें बिहार सचिवालय सेवक सचिवालय सहायक का लेवल कितना है सेवन है समुख में विदित है कि बिहार सचिवालय सेवा के अंतर्गत सचिवालय का कुल स्वीकृत पद अड़तीस के आसपास है जिसके विरुद्ध सोलह सौ पद ही कार्यरत है लगभग जो कि बाईस पद रिक्त है इस सेवा संवर्ग के पदाधिकारी कर्मी सरकार के कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं परंतु लगभग अंठावन प्रतिशत पद जो कि रिक्त रहने की स्थिति में कार्यरत कर्मियों पर कार्य अत्यधिक जिसके कारण सरकार मुख्यालय स्तर पर कार्य निष्पादन प्रभावित होता है युक्त तो स्थिति में रिक्त पदों पर नियुक्ति किया जाना अत्यंत आवश्यक है मतलब बी एस एस सी सीजियल थ्री की विज्ञापन के संबंध में करें क्योंकि ये आप देखें लगभग बाईस सौ तेईस सौ पद खाली है और इतने खाली मात्र सोलह सौ के आसपास ही लोग तो कार्य का है जो कि अत्यधिक दबाव है इस प्रसंग में यह भी उल्लेखनीय कि बिहार सचिवालय सेवा संभर्ग की नियुक्ति एवं पदस्थापन सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में होता है जहां राज्य सरकार के सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण होता है नीति निर्धारण में इस सम्बर्ग के पदाधिकारी एवं कर्मियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है इस सम्बर की प्रणति प्रशाखा पदाधिकारी अवर सचिव उप सचिव और संयुक्त सचिव स्तर के पदों पर किया पहले ही बताया कि पहले सेक्शन ऑफिसर में प्रमोशन होता है सचिवालय से आया कि उसके बाद अंडर सेक्रेटरी उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि इतने उच्च पदों पर उन्नति वाले पदाधिकारी एवं कर्मी नियुक्ति बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित वस्तुनिष्ठ प्रणोत्तर परीक्षा से की जाए ऐसे पदों पर नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित त्रिस्तरीय परीक्षा से ही संभव हो सकता ताकि इस सम्बर को योग्य पदाधिकारी मिल सके मतलब ये बीपीएससी के माध्यम से जिस तरह से और परीक्षाएं होती है इस क्रम में यह उल्लेखनीय है कि प्रवेशीय संवर्ग के पद आपूर्ति निरीक्षक प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी तथा प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी लेवल सात की भी नियुक्ति बिहार लोक सेवा पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जा रही मतलब ये जो बी एस एस सी सीजल वन में जो पोस्टें थी वो अब किससे हो रही है सचिवालय सहायक को सिर्फ छोड़कर जबकि वो पोस्ट उस समय क्या थी लेवल अगर कहे तो उसमें छः की थी लेकिन उसको से लेवल सेवन करके उनको जो कि परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से हो रही तो सिर्फ सचिवालय सहायक को छोड़ दिया गया और एक ही स, मतलब वेतनमान होते हुए छोड़ इसलिए मांग की जा रही है कि बीपीएससी के माध्यम उक्त अतः उपरोक्त परिपेज के आलोक में अनुरोध पूर्वक कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के सचिवालय सहायकों का रिक्त पदो नियुक्ति बिहार लोक सेवा पटना के द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से कराई जाए इस हेतु अनुशंसा बिहार लोक सेवा आयोग पटना को भेजी जाए युक्त प्रतियोगिता परीक्षा नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष अपने निर्धारित कैलेंडर के अनुसार आयोजित की जाती है युक्त स्थिति में सचिवालय सेवा सचिवालय सहायक रिक्तियों को पूर्ण रूप से भरा जाएगा साथ ही इन अन्य सेवाओं के भर्ती समर्कों की भांति उच्च कोटि के पदाधिकारी एवं कर्मी नियमित रूप से नियुक्त हो सकेंगे मतलब साफ है मांग है कि आपको बीपीएससी में जो कि ये जो अनुशंसा है वो भेजी जाए सीटों को खाली की हालांकि आप बी एस एस थ्री जो है वो आपको बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ही निकाला जाएगा इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये मांग चल रही है अभी इसकी तैयारी चल रही है कि ये मांग होनी चाहिए और क्योंकि सारे जो बी एस एस सी सी वन के थे पोस्ट सचिवालय सहायक को छोड़कर खासकर जो लेवल सिक्स के थे वो सारे कहाँ चले गए बी के पास तो इसीलिए ये मांग की जा रहा है और भविष्य में उम्मीद है कि जो अगली वैकेंसी आएगी उसमें उम्मीद है कि आपको अगर आप बी एस एस सी तो नहीं आएगी अब बी पी एस सी के माध्यम से अगर ये बहाली निकल जाती है जो भी खाली है उसके बाद जो है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप देख रहे हैं कि पहले इसकी जो प्रक्रिया है उन्नीस सौ निन्यानवे में इसकी बहाली निकली थी उसके बाद कब निकली 2010 में मतलब ग्यारह साल का गैप फिर है जो कि 2014 में निकली चार साल का फिर है आपको 2014 से 20 होने वाली मतलब छः साल मतलब और बी में इधर खासकर पहले तो गैप होती थी बहुत लेकिन इधर हर साल है जो कि लगभग चाहे 300 की वैकेंसी हो 400 की हो चाहे 1500 सौ की वैकेंसी हर साल लगभग लगातार कैलेंडर के अनुसार होगी और नियमित रूप से जो देख रहे हैं कि बाईस पद खाली है वो जो कि भरा जाएगा बी पी एस तो निरंतर भर्ती रहेगी और कार्य का बोझ भी नहीं होगा योग्य पदाधिकारी भी इससे मिल सकेंगे और इसमें फिर क्या होगा आपको पी होगा फिर मेंस होगा फिर इंटरव्यू बीपीएससी की पूरी पैटर्न रहेगी और सीटों की संख्या भी बीपीएससी के माध्यम से ज़्यादा आएगी तो देखना है कि ये मांग है जो कि कब तक है जो कि मानी जाती है और उम्मीद, उम्मीद है कि अगली जो वैकेंसी आएगी सचिवालय से कि इस बार तो बी से ही आएगी लेकिन इसके बाद बी के माध्यम से संभावना बनती है अब तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद